बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बड़ा हिस्टर है जिसके ऊपर लगभग 4 दर्जन मुकदमे लखनऊ और बाराबंकी के तमाम थानों में दर्ज हैं और हिस्ट्री शीट हर थाने पर इसकी लगी हुई है। लेकिन ये इधर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री शीटर है इसलिए ये है तो बीजेपी में, लेकिन बीजेपी वाले भी इसको कहीं तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो इसको लगता है कि हम उल्टा सीधा बयानबाजी करेंगे तो हमको हमारी भी पूछ बढ़ जाएगी, इसलिए ये कभी सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत किया इसने। मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत गंदी गंदी गालियां दी 2010 के इसने चुनाव में, चेयरमैनी के चुनाव में बहुत गंदी गंदी गालियां दी, बहुत गंदे गंदे कमेंट किए, लेकिन कोई नेता इसके खिलाफ बोला नहीं, किसी ने FIR नहीं दर्ज कराई और प्रशासन ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद 2015 आते थे चुनाव में, फिर जो है इसने उल्टा सीधा बोला, फिर मुस्लिम समाज के खिलाफ बहुत बोला, लेकिन उसके बाद भी कोई नेता FIR नहीं दे सक रहा, किसी ने प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया, इसकी वजह से इसके और हौसले बढ़ते गए। जब हौसले बढ़ते गए तो अभी जब हाथरस जैसा बलात्कार और हत्या एक बच्ची के साथ होकर के कांड हुआ, उस कांड में इसने बहुत ही घिनौना बयान दिया कि ये दलितों पिछड़ों की लड़कियां खेत में क्यों जाती हैं, और बड़े बड़े गंदे शब्द कहे थे, जो गंदे शब्द मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, आप सब लोग जानते हैं मीडिया के माध्यम से, मैंने भी इसको देखा है। तो ये इस तरह से इसका बिल्कुल सगल बन गया है, आदत बन गई है कि हम चर्चा में किसी तरह बने रहें। चर्चा में बने रहने के लिए इस बार तो इसने हद ही पार कर दी, इसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली 8 महिलाओं में सबसे शक्तिशाली महिला शेरनी बहन कुमारी मावती जी, जो भारत के सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनके ऊपर भद्दे इसने कमेंट किए। माननीय बहन कुमारी मावती जी बहुत ही पढ़ी लिखी MA BEd LLB हैं, ये सब लोग जानते हैं, और गौतम बुद्ध की धरती पर वो जन्मी हैं, गौतम बुद्ध नगर जिले की मूल निवासी उत्तर प्रदेश की हैं। अब उनको ये बता रहे हैं कि उनको हिंदी नहीं आती, उनको पढ़ना नहीं आता है, वो जिम्मेदार पर्सन हैं, उनके बयानों को कभी कभी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता था, इसलिए उन्होंने एक लिखा पढ़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, खुद वो लिखती हैं, खुद तैयार करके और उसको पढ़ करके सुनाती हैं, उसकी कापी भी तुरंत प्रेस को दी जाती है ताकि कहीं से कोई तोड़ मरोड़ न सके उनके बयानों को। इसलिए मानिया बहन कुमारी माझी जी हमेशा जिम्मेदार नागरिक होने के कारण नाते हमेशा जिम्मेदारी से लिख करके और उसको पढ़ करके सुनाती, उसकी कॉपी मीडिया में भेजती ताकि कोई उसको तोड़ मरोड़ न सके। अब उस पर भी कल भी इसने मतलब भद्दा कमेंट किया है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो ये तुम पढ़ के लिख के भेजते हो, कौन पढ़ लिख करके भेजता, बहन कुमारी माची अपने हाथ से लिख करके तैयार करती हैं। अम्बेडकर जी को ब्राह्मण कहा, ये तो मतलब इसकी तो अब देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो पूरी दुनिया के सर्वमान्य महापुरुष हैं, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका में कहा गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती पूरी दुनिया की, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़े हैं, और जब बराक ओबामा जो शक्तिशाली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब राष्ट्रपति यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे ये देश पैदा हुए होते तो मैं इनको सूर्य की संज्ञा देता, मतलब सूर्य जैसा चमक रहे हैं। लेकिन और यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर आदमकद की प्रतिमा लगी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने, और सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा है, उनके ऊपर भी ये भद्दे कमेंट कर रहा है, तो मतलब कितना बड़ा ज्ञानी होगा, अपराधी व्यक्ति अब ज्ञान पढ़ा रहा सबको, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हो गया है। और ये जो अपने आप को बहुत बड़ा मनवादी और बहुत बड़ा मानता है कि हम ही सबसे जातियों में उच्च हैं, इस तरह से बयान दे रहा है, जबकि इनका भी कहीं सम्मान नहीं, कहीं पूछे नहीं जा रहे हैं। कभी ये शासन प्रशासन में श्रीवास्तव समाज का समाज 38% हुआ करता था, आज 1 से 0.5% पर बचे हैं, इसका इनको नहीं ज्ञान है, और बहुत बड़े लगता है कि यही बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष। सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द का बैन कर दिया, इनको और मशहूर होंगे ये नहीं, अगर आप अगर इस तरीके से इनकी हर बात पे इस तरीके से करेंगे तो नहीं, सुनिए मैं, हम लोग ये केवल नेतागिरी करने के यहाँ पर नहीं आए हैं, इसके पहले भी कुछ लोगों ने इनके खिलाफ ज्ञापन दिया और आए, फोटो खिंचाए, मीडिया में आए और चले गए, हमने ये काम नहीं किया है, आप लोग आए इसलिए मैं आपको बाइट दे रहा हूँ। लेकिन जबकि मैं शनिवार को ही जैसे ही हमने ये बयान इनका सुना और उस पर हम लोगों ने बैठ करके डिस्कस करके आपस में तहरीर लिखी है, और शनिवार को ही हमने कप्तान ऑफिस में CO को, कप्तान थे नहीं, और इंस्पेक्टर को डायरेक्ट जाकर के हमने FIR के लिए उसे रिक्वेस्ट की। FIR आज तक, आज तीसरा दिन है, FIR नहीं दर्ज की गई है, इसलिए ये हम लोग यहाँ पर इतने